दोस्तों अगर आप भी अगर iOS और Android में कंफ्यूज हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन जो है ना फुली तौर पे जो ना खत्म करने वाला हूं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो ऐसी नहीं देखने पड़ेगी जिसमें आपको ये सोचना पड़े कि भाई iOS बेटर है या फिर Android बेटर है, आपके लिए कौन सा OS बेटर है। वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि भाई कौन सा OS जो है ना किस तरह से काम करता है, क्योंकि यार 2024 में काफी सारी चीजें जो है ना सेम टू सेम हो रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड और iOS को, एंड्रॉयड वाले iOS वाली चीजें लेके आ रहे हैं और जो iOS वाले हैं एंड्रॉइड की चीजें लेके आ रहे हैं। काफी बड़ा डिफरेंस आज भी इन दोनों ओएस के बीच में है, तो वो मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इकोसिस्टम की। दोस्तों 2024 में अभी एंड्रॉइड में भी काफी जो इकोसिस्टम है इंप्रूव हो चुका है। अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग का फोन, सैमसंग की वॉच, सैमसंग के बर्ड्स, सैमसंग का कंप्यूटर, वो सारी चीजें जो है ना सेम टू सेम जो है ना उनकी जो कनेक्टिविटी है वो एप्पल के इकोसिस्टम की तरह है। लेकिन बाकी जो एंड्रॉइड्स हैं उनमें इकोसिस्टम कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो आज भी जो है ना टॉप पे है। इकोसिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एप्पल की तरफ जाना चाहिए। बाकी दोस्तों उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। तो दोस्तों एक जमाना था जब एंड्रॉइड में जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को कम मिलते थे, एक साल के, दो साल के, तीन साल के, और आज भी जो है ना कुछ कंपनीज एंड्रॉइड में ऐसी हैं जो तीन साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देती हैं। लेकिन फिर भी ये बात कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुकी है। अभी गूगल और सैमसंग हमें जो है ना 7 ईयर्स के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं और एप्पल हमें 5-6 साल के अपडेट देते हैं, तो एक साल का अपडेट तकरीबन ज्यादा हो जाता है सैमसंग का और जो है ना गूगल की तरफ से। लेकिन दोस्तों अपडेट्स के मामले में आज भी मैं एप्पल को नंबर वन पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि एप्पल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं ना उनमें एक कंसिस्टेंसी होती है। मतलब जिस दिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं उस दिन एप्पल के आईफोन्स में जिन डिवाइसेस में वो सपोर्टेड होता है वो उसी सेम डे को सभी आईफोन्स में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में जो है ना आपको अगर आपके पास अगर सैमसंग का फ़ोन है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जनरेशन का है। अगर आपके पास लेटेस्ट वाला सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें तो आपको डेफिनेटली जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप जितने पीछे होते जाओगे उतने आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो सिलसिला है वो भी थोड़ा पीछे ही होता जाएगा। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं आईफोन जो है ना अच्छा है। अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली जो है ना आईफोन इज द बेस्ट। और दोस्तों उसके अलावा अभी हम बात कर लेते हैं एआई के ऊपर। एआई एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल सभी स्मार्टफोन्स कंपनी जो है ना इसके ऊपर बात कर रही है और इसी के ऊपर जो है ना मेन फोकस है। तो सैमसंग और गूगल ऑलरेडी जो है ना एआई के ऊपर काफी सारे फीचर्स लेके आ चुके हैं। तो अभी iOS 18 में भी जो है ना आईफोन 16 सीरीज आने वाली है तो उसमें भी ये फीचर जो है ना आने वाला है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही रहने वाला है, जो आईफोन्स होंगे उनमें ऑन डिवाइस जो है ना चीजें होंगी, ऑन डिवाइस आप जो भी काम कर पाएंगे वो ऑन डिवाइस होगा, उसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो एंड्रॉयड के फोन है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे गूगल का हो गया या फिर सैमसंग का फोन हो गया तो इनमें आपको डेटा कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फिर जाके आप इनमें वो चीजें कर पाएंगे। लेकिन कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो ऑन डिवाइस भी होते हैं सैमसंग के फोन में। तो ये चीजें अभी तो एआई की स्टार्टिंग है, लेकिन वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी कि भाई iOS का जो OS है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर एंड्रॉइड का जो OS है वो जो ना बेटर परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों उसके अलावा अभी हम बात कर लेते हैं कैमरा की। तो दोस्तों कैमरा में दो चीजें हैं, एक है फोटोग्राफी, एक है वीडियोग्राफी। जो फोटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो भाई फोटोग्राफी में अभी एंड्रॉइड एप्पल से कहीं ज्यादा आगे जा चुका है, क्योंकि भाई सैमसंग के फोन में या फिर गूगल के फोन में, वीवो के फोन में जो फोटोग्राफी है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है और वो आईफोन को बहुत पीछे छोड़ देती है। लेकिन यार आईफोन ने आज भी एक चीज जो है ना होल्ड करके रखी है वो है आईफोन की वीडियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, वीडियोग्राफी में एप्पल आज भी जो है ना एंड्रॉयड फोन्स को अपने नज़दीक नहीं आने देता। तो ऐसा नहीं है कि भाई एंड्रॉयड की वीडियोग्राफी अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन यार लेंस स्मूथनेस, एक्सपोजर वगैरह ये चीज़ें वहाँ पे इतना नेचुरल नहीं होता जितना कि आईफोन्स में होता है। तो काफ़ी अच्छी है एंड्रॉयड में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो नंबर वन जो पोजीशन रहेगी वो एप्पल की रहेगी। और वो 19-20 का डिफरेंस नहीं है, आज भी वो 18-20 का डिफरेंस है। तो दोस्तों इस मामले में एप्पल आईफोन जो है ना विनिंग कर लेते हैं अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है। तो फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड इज द नंबर वन। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना एप्पल आईफोन में iOS 18 में कस्टमाइजेशन जो है ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो कस्टमाइजेशन पहले भी थी और अभी जो कस्टमाइजेशन हो रही है वो भी सेम टू सेम कुछ एंड्रॉइड की तरह हो रही है। लेकिन यार एंड्रॉइड में आज भी iOS 18 को देखने के बाद भी जो एंड्रॉइड की जो कस्टमाइजेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। तो इस मामले में एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन में आज भी एप्पल को बीट करता है, एप्पल आज भी एंड्रॉइड के नजदीक नहीं है
नहीं इस मामले में। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि वीडियोग्राफी में एप्पल अपने नज़दीक किसी को नहीं आने देता, तो सेम इसी तरह जो है ना कस्टमाइजेशन में भी एंड्रॉयड एप्पल को अभी तक तो नज़दीक में नहीं आने दिया। फ्यूचर में देखते हैं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी ऐसी हो रही हैं जो सिमिलर सी हो रही हैं। एप्पल भी एंड्रॉयड वाले फीचर लेके आ रहा है और एंड्रॉयड भी एप्पल वाले फीचर लेके आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हो रही हैं, तो देखते हैं इनका फ्यूचर क्या है। तो फिलहाल जो है ना एंड्रॉइड इज द विनिंग इन द कस्टमाइजेशन सेक्शन। दोस्तों ये तो हो गया वो पॉइंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कौन सा ओएस जो है ना चूज करना चाहिए। देखो भाई मैं आपको जो है ना दो चीज़ें बताता हूँ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूट्यूब की वीडियोज बनाते हो, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, सोशल मीडिया से आप ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, आपको वीडियोज अपलोड करनी है, तो भाई कंटेंट क्रिएटर को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना आईफोन के ऊपर जाओ। बाकी उसके अलावा अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, आपका फोन का लुक जो है ना एवरीडे डिफरेंट दिखना चाहिए, आप एक ही लुक को देख के बोर हो जाते हो, तो भाई आपको जो है ना एंड्रॉयड के ऊपर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हो तो आपको एंड्रॉयड के ऊपर जाना चाहिए, अगर आप जो है ना कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको डेफिनेटली आईफोन के ऊपर जाना चाहिए। तो ये थे मेरे पॉइंट भाई, इन चीज़ों को माइंड में रख के आप आईफोन लो तो आप कभी भी परेशान नहीं होगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को थोड़ी सपोर्ट कर दो अगर फ्यूचर में इस तरह की भी और वीडियोस देखनी हो। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।